हेलो फ्रेंड्स, आज हम मलाई कोफ्ता बनाएंगे। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने ये दो मीडियम साइज के आलू बॉईल कर लिए हैं और इन्हें हमें इस तरह से तोड़ लेंगे बिल्कुल बारीक ऐसे चम्मच से हम इन्हें तोड़ लेंगे। इस तरह से और ये मैंने 100 ग्राम पनीर ले लिया है और पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम आलू में पनीर को मिक्स कर लेंगे। ये मैंने दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली है और कुछ हरे धनिया की पत्तियां ले ली हैं, इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला और इस तरह से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। अच्छी तरह से और अब हम इसमें डाल देंगे मैदा। ये पहले हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे और इसे इस तरह से मिलाते हुए आप एक बार में सारी मैदा ना डालें, मैदा को इसी तरह से डालते रहे। अब हम इसमें 2 चम्मच मैदा और ऐड कर देंगे और इस तरह से इसे जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं इस तरह का लगने तक हम इसे इसी तरह मिलाते रहेंगे। और थोड़ा सा मैदा हम और ऐड कर देंगे। इसी तरह हम इसे अच्छी तरह डो बना लेंगे। ये देखिए डो हमारा बनकर तैयार है। ये बिल्कुल जिस तरह से हम आटा लगाते हैं उसी तरह से हमने डो बना लिया है और अब हम इस तरह से अपने हाथों पर घी लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मलते हुए थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे। इसे हम 5 मिनट तक इसी तरह ढककर रख देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने हाथों पर घी लगा लेंगे और इस तरह से जिस तरह से हम रोटी की लोई बनाते हैं उस तरह से हम इसे बिल्कुल
इस तरह से आप छोटे या बड़े जिस भी साइज में बना सकते हैं। और अब हम इसे मैदे में इस तरह से लपेट देंगे। इस तरह से अगर आप मैदे में लपेटेंगे तो आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। और इस तरह से हम रख देंगे। इसी प्रकार हम सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से और अब हम इस तरह से इसे मैदा में लपेट देंगे। इसी तरह से हम देखिए मैदा में जरूर लपेटे वरना आपके कोफ्ते फट सकते हैं। इसी प्रकार हमारे सारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। ये देखिए कोफ्ते हमारे बन गए हैं। अब हम एक पैन में तेल गरम कर लेंगे। कोफ्ते तलने के लिए हमें तेल अच्छा गरम चाहिए, इसलिए हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। अगर हम ठंडे तेल में डाल देंगे तो हमारे कोफ्ते फट सकते हैं, क्योंकि ये पनीर और आलू से बने हैं, इसलिए हमें तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम कोफ्ते डाल देंगे। हम कोफ्ते डालने के बाद गैस को मीडियम कर देंगे ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे से पक जाएं। और तेज आंच पे ही पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे और अंदर से अच्छी तरह से नहीं पकेंगे। डालते ही हमें एकदम से इनको नहीं पलटना है, थोड़ी देर के लिए इन्हें इसी तरह से छोड़ दें। ताकि एक साइड से अच्छी तरह से सिक जाएं। देखिए अब हमारा कलर एक साइड से चेंज हो गया है। हम इन्हें आराम से पलट देंगे, बिल्कुल आराम आराम से पलटें आप। इसी तरह पलटते हुए हम इन्हें दोनों तरफ से सेक लेंगे। ध्यान रहे पहले हमें डालने से पहले तेल को अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाना है। कच्चे कम गर्म तेल में बिल्कुल भी ना डाले वरना आपके कोफ्ते फट सकते हैं। और बाद में हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से अंदर तक सिक जाएं।
और इसी प्रकार पलटते हुए हम इन्हें अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से सूख चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे कोफ्ते भी डाल देंगे। देखिए हमारे कोफ्ते कितने अच्छे से बन गए हैं, इसी प्रकार हम उनको भी सेक लेंगे। देखिए कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। देखिए ये एक हमने तेज पत्ता डाल दिया है और ये एक दालचीनी का टुकड़ा और ये 3 से 4 लौंग, 4 इलायची और 7 से 8 काली मिर्ची। और इन्हें हम इस तरह से चला देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें ये प्याज। ये मैंने मीडियम साइज के 3 प्याज ले लिए हैं। ये देखिए मैंने लहसुन की कलियां ले ली हैं। प्याज को हम बिल्कुल ब्राउन होने तक नहीं पकाएंगे, हल्का ही पकाएंगे। इसमें हम ये डाल देंगे टमाटर,
चार से पांच टमाटर कट कर लिए हैं। इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएं। अब हम इन्हें ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। प्याज टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं, हमने उसकी ग्रेवी बना ली है और अब हम तड़का लगाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा हींग पाउडर डाल दिया है। एक चम्मच जीरा डाल दिया है। ब्राउन होने तक उसमें हम एक चम्मच देसी घी डाल देंगे। आपके पास बटर है तो आप बटर भी डाल सकते हैं। देसी घी डालने से मलाई कोफ्ते का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जीरा और हींग हमारी अच्छी तरह से चटक चुके हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे और लाल मिर्च डालते ही तुरंत हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे। ताकि हमारी ग्रेवी में अच्छा सा कलर आ जाए और लाल मिर्च को डालने के बाद ग्रेवी में तुरंत डालें वरना मिर्च जलने लग जाती है बहुत ही जल्दी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी। और एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। आमचूर पाउडर डाल देंगे। और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे अब एक चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें।
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसलिए हमने बहुत ज्यादा गाढ़ी ग्रेवी नहीं बनानी है। हम एक चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे, कुछ खट्टा और कुछ मीठा टेस्ट करने के लिए। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। कम से कम 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, जब तक इसका ग्रेवी ऑयल ना छोड़ने लग जाए। ग्रेवी हमारी देखिए बनकर तैयार हो गई है। इसका कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है। और अब हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने मलाई को फेंट लिया है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्रीम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर पर बनाई हुई मलाई है, इसलिए मैं ये 2 चम्मच मलाई डाल दूंगी, 3 चम्मच डाल दूंगी, क्योंकि इसका नाम ही मलाई कोफ्ता है। तो इसमें मलाई डालने से और भी ज्यादा टेस्ट आ जाता है। इसी तरह मिक्स करते हुए हम इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। मलाई डालने से इसमें और भी ज्यादा अच्छा कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ग्रेवी हमारी बनकर रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। देखिए हम इसमें साथ में कोफ्ते नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। कोफ्ते के ऊपर हम ग्रेवी डालेंगे, वरना हमारे कोफ्ते बिल्कुल ये पनीर और आलू से बने हुए हैं, बिल्कुल ही टूट जाएंगे। ग्रेवी को हम ऊपर से डालेंगे। तो अब हम गैस बंद कर देंगे, कर तैयार है। देखिए मलाई कोफ्ता हमारा बनकर तैयार है। हम अब कोफ्ते के ऊपर ये ग्रेवी डाल देंगे। आप इसके अंदर बिल्कुल भी ना मिलाएं, बाद में ग्रेवी डालें, वरना आपके कोफ्ते फट जाएंगे।